हेलो गाइस, आज की वीडियो पे हम लोग बात करेंगे आप अपनी क्लैश ऑफ क्लैंस गेम में क्लैन से क्लैन लीडर को ही कैसे किक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये लीगल काम नहीं है गाइस, फिर भी कुछ कुछ हमें परिस्थितियों में ये काम करना पड़ता है, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा गाइस आज की वीडियो में कि आप अपनी लीडर को कैसे किक कर सकते हो। गाइस, क्लैश ऑफ क्लैंस गेम में एक ऑप्शन है जो कि है गाइस आप अपने लीडर को किक कर सकते हो। गाइस यहाँ पर कुछ मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाऊंगा गाइस, और गाइस वो जो सिस्टम है आप कैसे लीडर को किक कर सकते हो वो भी दिखाऊंगा वीडियो में। लास्ट तक बने रहना क्योंकि लास्ट में मैं सभी चीज़ें रिवील करूंगा गाइस। अगर आप हाई लेवल क्लैन में अगर आप मेंबर हो या फिर इल्डर हो या फिर को लीडर हो, आप कोई भी हो, आप अपनी क्लैन लीडर को किक कर सकते हो। जी दोस्तों, अगर आप एक हाई लेवल क्लैन में ज्वाइन करते हो और आप लीडर को किक करना चाहते हो, हाँ ये ऐसा पॉसिबल है। लेकिन गाइस अगर आप ज़्यादा हाई लेवल क्लैन लाइक यहाँ पर 25 लेवल क्लैन 30 लेवल क्लैन, यहाँ पर जाके आप लोग लीडर को किक करने की कोशिश करते हो या फिर ऑप्शन जो है लीडर को किक करने वाला उसको जो है क्लिक करते हो, तो आपका आईडी भी यहाँ पर खतरे में पड़ जाएगा, बैन होने की चांस होगा। तो इसलिए इतना हाई लेवल की क्लैन में मत जाओ लीडरशिप लेने के लिए, आप नॉर्मल क्लैन में जाओ जो जहाँ पे आप लोग लीडरशिप ले सकते हो गाइस, जो कि है गाइस लेवल 10 लेवल 15 ऐसा क्लैन में। तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, जैसे हमारी क्लैन में ये लीडर है, ये गाइस इनएक्टिव लीडर है, तो इनसे मैं अगर मैं लीडरशिप लेना चाहता हूँ गाइस आसानी से ले सकता हूँ गाइस। लेकिन गाइस आप एक्टिव जो होता है बंदा उससे भी आप लीडरशिप ले सकते हो। लेकिन गाइस मैं ऐसा प्रमोशन नहीं कर रहा है इलीगल काम को, लेकिन गाइस कुछ कुछ मामलों में हमें ऐसा काम करना पड़ता है, इसलिए गाइस आप लोग ट्राई करना ऐसा काम मत करना। आप लोग लीडरशिप होना चाहते हो तो गाइस अपनी दोस्त के क्लैन में हो या फिर नया क्लैन बनाओ, लेकिन गाइस ऐसा करना मत। लेकिन आपकी मर्ज़ी अगर करना चाहते हो, वो वाला ऑप्शन COC वाले ने दिया है, तो आप लोग वो आपकी जो है आपकी इच्छा है आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप लीडर को किक करना चाहते हो कि नहीं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग यहाँ पर इस वीडियो को क्लिक किया है लीडर को आप कैसे किक करता है, लेकिन गाइस बहुत सारा ऐसा लॉयल प्लेयर है जो कि लीडर को काफ़ी रेस्पेक्ट करता है, वो लोग इस वीडियो को शायद से क्लिक नहीं किया है। लेकिन गाइस अगर आप क्लिक करते हो, बहुत सारा लोग यहाँ पर वीडियो को क्लिक करते हो गाइस, मेरे चैनल पर देखो गाइस 2K सब्सक्राइबर होने के लिए अभी भी 200 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है गाइस। अगर आप एक भी सब्सक्राइब कर देते हो अपनी फ्रेंड से या फिर अपनी घर वालों से मोबाइल से गाइस, आप एक सब्सक्राइबर कर देते हो, तो गाइस 200 सब्सक्राइबर आज नहीं तो आज हो ही जाएगा पक्का। तो गाइस इसलिए बोल रहा हूँ गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि आपको फ्रेंड को भी पता चले कि आप अपनी क्लैन में कैसे लीडरशिप ले सकते हो। गाइस यहाँ पर मैं चाहूँ तो मैं भी ले सकता हूँ, लेकिन गाइस इतना जो है हाई लेवल क्लैन के लीडर से लीडरशिप छीनने अच्छा नहीं लगता, इसलिए ले नहीं चाहिए मुझे लीडरशिप। मैं को लीडर में ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन गाइस आपको अगर मेंबर हो, आप अगर इल्डर हो, अगर को लीडर हो, तो आप कैसे जो है लीडरशिप ले सकते हो हाई लेवल क्लैन में या फिर लो लेवल क्लैन में। तो गाइस यहाँ पर कुछ रूल्स होता है, यहाँ पर आप हाई लेवल क्लैन जैसे कि ग्लोबल टॉप पे वो वाला क्लैन आप लोग आसानी से गाइस यहाँ पर जो लीडरशिप ले सकते हो। लेकिन आपको पहले करना पड़ेगा ज्वाइन करने के बाद ही आप ये सब कर पाओगे। पहले एक जो क्लैन के लीडरशिप लेना चाहते हो आप उस क्लैन में पहले ज्वाइन करना तो पड़ेगा ही गाइस। ज्वाइन जैसे आप ज्वाइन करते हो, मैं एक चीज समझाता देता हूँ, अगर आप एक क्लैन का हाई लीडर बनना चाहते हो तो पहले आप ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के लिए आप लोग ज्वाइन पहले करो, फिर आप लोगों को जाओ हेल्प एंड सपोर्ट में, क्योंकि गाइस ज्वाइन करने के बाद डायरेक्ट आप हेल्प एंड सपोर्ट में जाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक ऐसा हिडन ऑप्शन है जो कि किसी को नहीं पता गाइस, ये ऑप्शन किसी ने नहीं बताया। हेल्प एंड सपोर्ट में जाने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि आप सभी को पता है कुछ इस तरह का आ जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सर्च वाली ऑप्शन पे जाके आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दे सकते हो। यहाँ पर सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इनएक्टिव क्लैन लीडर, यहाँ पर सिंपली आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ आप लोगों को रीड करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर कुछ सिस्टम में आप लोगों को समझा दे रहा हूँ गाइस, यहाँ पर इंग्लिश में, मैं आसाम हिंदी में समझा देता हूँ गाइस। यहाँ पर देख सकते हो व्हेन ए क्लैन लीडर हैज़ नॉट लॉग इन टू क्लैश ऑफ क्लैंस 90 डेज, दी गेम सिलेक्ट्स ए न्यू लीडर ऑटोमेटिकली। मतलब कि अगर कोई लीडर 90 डे से इनएक्टिव है, तो आप लोगों को उस क्लैन में अगर आप हो तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली जो लीडरशिप मिल जाएगा। अगर आप 3 मंथ वेट करते हो तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली आप लोगों को लीडरशिप यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेन मामला यह आता है अगर लीडर 60 डे से इनएक्टिव है,
तो आप क्या लीडरशिप ले सकते हो? जी दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी सारा हाई लेवल क्लैन का लीडर जो इनएक्टिव होता है, तो आप उस क्लैन का फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि वहाँ पर लीडर एंड इनएक्टिव है तो क्लैन तो मर जाएगा, डेड हो जाएगा, इसलिए आप उसको रिबूल कर सकते हो क्लैन को, इसलिए वो इलीगल नहीं है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो 60 डेज इनएक्टिविटी एंड इन गेम मैसेज इज सेंड टू द इंटायर क्लैन इन्फॉर्मेशन दैट वी हाईएस्ट रैंकिंग एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग एक्टिव मेंबर विल बी न्यू लीडर। यहाँ पर जो एक्टिव मेंबर होगा वही लीडरशिप लेगा गाइस, जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होगा, मतलब कि ऑनलाइन रहेगा, उसको लीडरशिप मिलेगा अगर लीडर 60 डेज ऑफलाइन हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा अगर 74 डेज में अगर लीडर को एक नोटिफिकेशन जाएगा गाइस कि आप क्लैश ऑफ क्लैंस गेम को खेलना चाहते हो कि नहीं। अगर वो नहीं खेलता है तो आप लोगों को और गाइस वेट करना है 83 डेज के बाद। 83 डेज के बाद वहाँ पर लीडर को एक और मैसेज जाएगा गाइस कि आप खेलना चाहते हो कि नहीं। अगर वो 83 डेज के बाद भी वो खेलना नहीं चाहता तो आप लोगों को वेट करना है और 7 डेज। जब 90 डेज होता है, अगर आप उस क्लैन में मेंबर भले ही मेंबर हो या फिर लीडर हो या फिर को लीडर हो, आप लोगों को ऑटोमेटिकली लीडर का जो लीडरशिप है वो देता है। ये क्लैश ऑफ क्लैंस का एक हिडन सिस्टम है, किसी ने नहीं बताया गाइस। लीडरशिप जो है ऑटोमेटिकली आप लोगों को ट्रांसफ़र हो जाता है अगर आप 60-70 डेज ऐसा कर सकते हो। मैं बोलना चाहता हूँ गाइस, आपने अगर नया आईडी बनाते हो और आप हर दिन एक एक गेम खेलते हो, थोड़ा थोड़ा खेलते हो नया आईडी बना के, और एक हाई लेवल क्लैन ज्वाइन करके रखते हो, तो आप लोगों को 90 डे बाद ऑटोमेटिकली आपको लीडरशिप मिल जाता है गाइस। यहाँ पर और भी कुछ सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। दी रिसीव स्क्रीन नोटिफिकेशन यू मस्ट हैव क्लैश ऑफ क्लैंस करेंटली इंस्टॉल एंड नोटिफिकेशन फॉर क्लैश ऑफ क्लैंस एनेबल, मतलब कि लीडर्स को ये सब पढ़ने के लिए बोल दिया है कि लीडर को एफ्राइड डालना ज़रूरी है, क्योंकि उसका लीडरशिप क्लैश ऑफ क्लैंस वाले सीन रहा है, तो इसलिए बोल रहा है, लीडर को बोल रहा है कि आप ऐसा करो कि क्लैश ऑफ क्लैंस डाउनलोड करो फिर से। लीडर क्यों डाउनलोड करेगा, उसको तुम खेलना ही नहीं, तो ऐसे की बात है। अगर मेरे चैनल पे आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है गाइस। अगर आपको पसंद आता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इंस्टाग्राम ट्विटर यहाँ पर मुझे फॉलो भी कर देना नहीं।